देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए कि राज्य को सुनाई दे। बकरियों की तरह से मिलियाने से मंदिर नहीं बनेगा। शेर पुत्र हो तो सिंह गर्ज न करो। दीदी जे भाई रा उत्पात करें এখনো আপনি ঠিক করেন নি মারপিট করছেন তাহলে বলে দিচ্ছি 6 মাসে সুধরে যান নালে হয় হাত পা ভাঙবে পাঁজর ভাঙবে মাথা ফাটবে আর মহাকাল মন্দির কে अब हम दुश्मन से टकराएंगे। जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वही बनाएं। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को छोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। बालूकी में पत्थर निकले उनका तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है संसार सेवा करें, रोकने का तो सवाल ही नहीं। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए कि राज्य को सुनाई दे। देश के गद्दारों को राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। आए भले छोको दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है, वहां हम कोशिश जरूर करेंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट है लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा, आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन सड़कों से भी बढ़ के एक और जगह में इसका फैसला होगा। कौन सी जगह में इस लड़ाई का फैसला सबसे ज्यादा होगा? वो है अपने दिलों में। कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? जब 30 अक्टूबर को आप यहाँ आए थे क्या उस दिन आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। जब 2 नवंबर को आप यहाँ आए थे जब गोलियां चली थी तब क्या आप इस इमारत को नहीं गिरा सकते थे? गिरा सकते थे। गोलियों के डर से ये इमारत नहीं गिरी। अगर ऐसा किसी को धोखा हो तो वो अपने धोखे को मिटा दे, क्योंकि गोलियां कब पड़ जाएंगी लेकिन सीने कब नहीं पड़ेंगे जो गोलियों का मुकाबला करने के लिए।